सो हेलो डिफेंस लवर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है मेरी। जानता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे। और दोस्तों, फ़िलहाल जो है मैं काफ़ी बिज़ी रहता हूँ, ठीक है। और सेकंड चीज़ मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो खास आप लोगों को ICG, जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का, सो दोस्तों उन लोगों के लिए मेन है जो वीडियो है ये, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों, अगर हम लोग ICG का एग्ज़ाम आप लोगों का हो गया, जो समथिंग 20 से 23 तक आप लोगों का एग्ज़ाम थे, और इसकी रिज़ल्ट की बात है, तो रिज़ल्ट की बात है आप लोग वेट कर रिज़ल्ट की, तो मैं आपको एक एग्जैक्ट डेट बोल दूंगा कि आप लोगों की रिज़ल्ट कब आने वाली है, ठीक है। और सेकंड चीज़ हम बात करते हैं कि आप लोगों का एक एस्टिमेट कट ऑफ की बात करते हैं, है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ICG का, ठीक है, ICG का कट ऑफ डे बाय डे जो है बढ़ने वाला है, बिल्कुल भी ये कम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ पर्सनल, मेरा जो ये एक बोलते हैं ना कि एक एक्सपीरियंस है ICG के, करीब करीब मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को मोर देन चार साल के ऊपर से जो है, पहले तो नेवी का भी था, हमारी प्रिपरेशन थी हमारी ओल्ड चैनल पे, और इस मतलब अभी जो फ़िलहाल वो वाला चैनल जो है बंद हो चुका है, समथिंग कोई दिक्कत आ गई थी, टर्मिनेट हो चुका था। और जैसा कि आप लोग, जितने भी लोग मुझे पहले जानते होंगे, साहिल डिफेंस कोचिंग का चैनल था, 15,000 हमारे सब्सक्राइबर्स थे वहाँ पे, 15,000 के आसपास, तो वो सारे ही लोग हमको जानते होंगे। और जो ये चैनल है दोस्तों, ये मैंने फ़िलहाल खोला है जस्ट कुछ एक महीने पहले, तो आप लोगों का बस इस पे यही बोलूँगा कि आप लोग सपोर्ट करिए इस चैनल पे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये भी चैनल जो है उस मुकाम पर पहुँच जाए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोग करना है करिए, वरना फिर मत करिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जितने भी हम बात बोलते हैं बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई इसके नहीं बोलते हैं। आपको हमने बताया था कि 20 से 23 नवंबर में आप लोग का एग्ज़ाम होगा कोस्ट गार्ड का, वो हुआ, ठीक है। रिक्रूटमेंट साइकिल आपका चेंज होगा, वो भी हुआ। और अब हम बात करने वाले आपको कि रिज़ल्ट जो है इसकी, जो ICG की रिज़ल्ट है, वो आप लोग की कब आएगी। एग्जैक्ट डेट बोलूँगा आपको, 2 दिन का जो है आगे पीछे का डेट लेके बोलूँगा मैं, ठीक है। 2 दिन प्लस, 2 दिन माइनस लेके बोल सकते हैं, माइनस तो नहीं होगा बट प्लस हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन लिखा रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार नोटिफिकेशन को। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इसके जो नोटिफिकेशन की लिंक थी इस पे, और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 9 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। आप लोगों को यहाँ वहाँ तमाम वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली बताते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द रिज़ल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सेलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज 1 to stage 3, ठीक है, फ्रॉम स्टेज 1 to stage 3 कैन बी एसेस्ड बाय लॉगिन टू द कैंडिडेट अकाउंट ऑन ICG वेबसाइट। द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज 1 विल बी अनाउंस्ड 20 विद इन 13 डेज। यहाँ पे दिया है विद इन 13 डेज, यानी कि 30 दिन के अंतर्गत। विद इन 30 डेज का मतलब होता है 30 दिन के अंतर्गत, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया होता कि ऑन और आफ्टर, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि 30वें दिन या फिर 30 के बाद 31वें, 32वें, 33वें कभी भी जो है एक दिन, ठीक है। बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या दिया हुआ है, विद इन दिया हुआ है। तो विद इन का अर्थात हम बताते हैं आप लोग को, 23 से अगर हम बात करते हैं तो 30 का महीना था नवंबर में, तो आप लोगों को 23 को परफेक्ट जो है आपको 30 दिन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। बट जहाँ तक मेरा अंदाज है कि आप लोगों के रिजल्ट है 22 दिसंबर को आ जानी चाहिए, 22 दिसंबर को आप लोग आ जाएगा रिजल्ट। और मैं आपको एक एडिशनल डेट बोल देता हूँ कि 24 तक, ठीक है, 24 दिसंबर तक, ये 2 दिन, 22 के पहले नहीं आ सकता, चांस नहीं है। 21 को भी आ सकता है, आप लोग को बता दूँगी, लेकिन 21 को चांस है, 22 को बताऊँगा। अब बताता हूँ मैं आप लोगों को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू द जो मतलब बता दो आप लोगों के जो रूल होता है कोस्ट गार्ड का, कि कोस्ट गार्ड की जो ऑफिस जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक CG करके है ऑफिस है कोस्ट गार्ड का, ठीक है, जहाँ पे सारी ये भर्ती प्रक्रिया की जो भी चीज़ होती है, सर्वर होती है, जहाँ पे अपडेट होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो उसकी ऑफिस होती है, वो सैटरडे संडे ऑफ रहती है। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, सिंपल सी बात है कि विद इन 30 डेज तो 30 डेज होते होते आपको तुरंत तो मिलेगा नहीं, ठीक है, बट फिर भी एक एस्टिमेट 23 को आप लोगों को जो है परफेक्ट हो रहा है 30 दिन, ठीक है। तो मैंने 22 आप लोगों को इसलिए बोला कि विधिन दिया है, तो यानी कि एक दिन पहले भी आ सकता है, ठीक है, और 21 तो पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं 24 को, इसलिए मैंने डेट दिया है। आप लोग बोलेंगे कि सैटरडे को ऑफिस बंद रहता है तो फिर कैसे होगा, तो 24 को मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है कि 23 को जो है शाम तक जो है अपलोड हो जाएगी,
आप लोगों की जो भी रिज़ल्ट होती है वो, और 24th को आप जो है मॉर्निंग में एसेस कर सकते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में आप लोग एसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मिला जुला के बात यही है कि आप लोगों को बस वेट एंड वॉच करना है। फिलहाल आप लोग जो है यहाँ वहाँ के चक्कर मत पड़िए, आप लोग बार बार वीडियो सर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मत करिए। मैं आपको बोल दूँ कि 22 से 24th के बीच में आप लोग रिजल्ट आएगी, और देखिए अगर नहीं भी आ रही 24th के आसपास तो मान के चले कि 30 तक तो आ ही जाएगी, क्योंकि इनके भी सिस्टम पे, देखिए इनका भी सिस्टम होता है किसी चीज़ हर चीज़ का। और कोस्ट गार्ड जो है अपने काम जो है बहुत परफेक्टली करती है, ठीक है, भले वो जो आप लोग समझ सकते हैं कि भले कोस्ट गार्ड में जो है दो नंबर के काम भी होती है एग्ज़ाम वगैरह में, तो बट उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए कि इनको जो है मिड या फिर एंड जैन में इनको कम से कम फिज़िकल करवा लेना है, ठीक है। तो अगर दिसंबर के एंड में रिजल्ट नहीं आता है, मान लीजिए जनवरी के फर्स्ट वीक में आता है, तो कम से कम 15 to 20 days prior आप लोग की आती है एडमिट कार्ड, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मान लीजिए अगर आप लोग को दिसंबर में नहीं आएगा, तो वो लोगों को कुछ भी करके आप लोग को जनवरी के फर्स्ट वीक भी नहीं जनवरी के फर्स्ट 4 days में आपको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर वो 4 days में रिजल्ट नहीं देंगे तो 20 दिन के बाद 24 यानी कि एंड ऑफ जो है जनवरी में वो लोग फिजिकल नहीं करा पाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। और जो स्टेज 3 होता है वो आप लोग ज्वाइनिंग सीधा होते हैं छिलका में आप लोग के एंड अप्रैल यानी कि करीब करीब वही 30 अप्रैल के आसपास आप लोग की आएगी मेरिट लिस्ट। उस मेरिट लिस्ट में आप लोग की फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि आप लोग के PFT कट ऑफ अलग रहती है और जो फाइनल मेरिट कट ऑफ रहती है अलग रहती है, बढ़ती है वो कुछ मार्क्स, ठीक है। तो फिजिकल में कितने बंदे क्वालिफाइड हो रहे हैं, कितने बंदे डॉक्यूमेंट में छट रहे हैं, फिजिकल में छट रहे हैं, तो उसके बाद जो एक मेरिट बनता है, उस मेरिट की वजह से आप लोगों की स्टेज 3 की एक एनरोलमेंट लिस्ट आती है, जिस लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, कॉल अप लेटर छिलका के लिए। आप छिलका जाएंगे, वहाँ पे मेडिकल आपका होगा, जो कि बहुत डिटेल मेडिकल आप लोग होता है वहाँ पे, ठीक है। मेडिकल क्लियर हो गया तो आप लोग को बस ज्वाइनिंग कर लेंगे और आप लोग की मई से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही था प्रोसेस था आप लोग का, और आप लोगों के मन में जो भी डाउट होंगे मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्तों आप लोगों के मन में फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो मुझे माफ़ करिएगा, बिकॉज जितना हमको बताना था वो बता दिया, ठीक है। और देखिए अगर कोई बड़ी बात आप लोग के मन में कुछ है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम आप लोग का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से लीजिए, आप लोग टेलीग्राम पे घुसे किसी भी तरह ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोग को मुझसे बात करना है, डिस्कशन ग्रुप है मेरा टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ से हमसे बात कर सकते हैं टेलीग्राम पे, डिस्कशन ग्रुप पे भी, ठीक है। बाकी दोस्तों ICG का मैंने एक बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को मिलते रहेंगे अब, जो कि फ़िलहाल हम बिजी थे और बहुत बिजी थे फिलहाल कुछ दिन से, बट अब जो है शायद हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों के लिए हम अपडेट रहें। और बात करते हैं कोस्ट गार्ड के अलावा तो आप लोगों को किस चीज़ के ऊपर वीडियोस चाहिए, किस चीज़ के आपको जो है उत्सुकता है देखने की, उसका मुझे दोस्तों आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं दोस्तों उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग किसी चीज़ का अपडेट चाहिए तो मुझे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा उस चीज़ के बारे में, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चैनल पर पुराने हैं तो बने रहिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।